अभी बज चुके हैं रात के 12:11। ये देखो राइडिंग जैकेट का पूरा ये निकाल चुका हूँ पैडिंग, क्योंकि मैंने राइडिंग जैकेट को धोया है भाई। इधर मेरा पिलियन तैयार है और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से गाना सुन रही है। देखो अपना हेलमेट मेरे मोजे से साफ कर रहे, मर जाओ बे साले। मस्त मोजा, 6 महीने बाद पहली बार मैं मोजा धोया हूँ, उसमें भी आदमी गंदा कर रहे है। देखो तू जावे क्या राइड में बैठवे का मोर्सन मेरा पहली बार मैं पिलियन लेके जा रहा हूँ भाई इस बार। तो चलो छत्तीसगढ़ का सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा मीटअप होने वाला है कल, और संडे राइड भी है, बहुत ही ताबड़तोड़ वाला, तो मस्त एकदम तगड़ा वाला व्लॉग होने वाला है। तो भाई 12 बज गए, 6 बजे उठना है, सूत्रा पे पक्का उठ जाएगा ना। अलार्म मैंने लगा लिया है, ये वाले फोन और ये दूसरे वाले फोन दोनों में मैंने अलार्म लगा लिया भाई। सुबह तो उठना ही उठना, बाकी हमारी ड्रीम भाई K2 तो यहाँ दिख रही है तो चलो भाई साहब चलते हैं सीधा, सुबह मिलते हैं। अरे 6 हो चुके हैं, अपना पूरा 11 होके अपन मस्त रेडी हो गए हैं बहुत ही तगड़ा वाला राइड होने वाला है भाई साहब। ये देखो बाकी बाइक तो मस्त चमक रही है। कॉल स्टार्ट करते हैं, आवाज कैसा आएगा सुनना, एक नंबर। ये यार यहाँ पे फिर से गोबर, बता रहा हूँ बाइक गंदा होता है ना, बहुत ही गंदा लगता है। तो चलो अब सीधा अभिजीत भैया के पास मिलते हैं GoPro में बहुत दिन बाद अपन मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट और ताबड़तोड़ वाली फीलिंग आ रही है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही तगड़ा हाइपर राइडिंग होने वाला है भाई साहब। आज बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का लगभग बहुत ही बड़ा बिगेस्ट मीटअप बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि ना बहुत दूर दूर से छत्तीसगढ़ में जितने भी राइडर हैं लगभग 70% तो आ ही रहे होंगे। तो बाकी रात में बारिश हुई थी तो थोड़ा डर लग रहा था कि सुबह हम जा पाएंगे कि नहीं, बाकी मौसम भी चाहता है भाई ऊपर वाला कि अपन राइड करें और बहुत ही तगड़े से राइड करें। अंकल लोग का मीटिंग यहाँ पे हमेशा चलता है मौसम देखो सुबह सुबह राइड इसीलिए करते हैं भाई, संडे राइड है देखो पूरा रोड खाली रहेगा और बहुत ही तगड़ा और मस्त ठंडा ठंडा हल्का सा हवा आ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। ऐसा लाइनअप देख के बहुत मजा आता है यार। अब भैया सबको गाइड वाइड कर रहे होंगे तो चलो भाई साहब बैठते हैं मस्त। गुड मॉर्निंग भैया, भाई बढ़िया भाई, डिस्टेंस बोल दिया ना, ये भी नया है इनको बोलना पड़ेगा। अपने साथ चल रही है भाई प्रणाली, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से ये देखो, वो अनल का साउंड बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ताबड़तोड़ साउंड आने वाला है। इतनी सारी बाइक जब गुजरेगी अंदर से भाई साहब, बाहर तो पूरा ऊपर तक आएगा आवाज भाई। ये देखो टनल के अंदर तो सब पागल ही हो जाएंगे यहाँ घूस के। ये अरे यार फिर से बाइक गंदी हो जाएगी ब्रो, साउंड सुनो। अरे मूत्रू मैंने गाड़ी धर के जोर से चल ही, अब जही तान कहा थे अंकल। अरे सीधी 05 मतलब हमारे धमतरी जिले का ही है यार, मेरी बाइक 05 वाली है। ये रेड 650 भाई साहब, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखो इधर बहुत ही सारी बाइक, इधर हायाबूसा खड़ी है भाई, क्या ही साउंड आ रहा था भाई, मजा ही आ गया। अरे एक और बाइक आ रही है यार, वो भी निंजा लग रही है मेरे। अच्छा ट्रैम्प भाई साहब, ये हमारे अभिजीत भैया बहुत ही बढ़िया यार। तो चलो बहुत ही लेट हो रहा है यार, अब चलते हैं सीधा। अभिजीत भैया जा रहे हैं और ये भाई हायाबूसा, भाई साहब तगड़ा साउंड है भाई हायाबूसा, वो ये अरे बाप रे मजा आ जाता है भाई, देख के दिल खुश हो जाता है। तो चलो अपन भी राइड ज्वाइन करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। ये देखो चलो है, क्या ही साउंड आ रहा है, पूरा फटाका फूट रहा है फटाका। माय गॉड
मतलब इसका जो डाउनशिप का आवाज है ना एकदम फट फिट फट फिट फट, तगड़ा साउंड भाई, तगड़ा साउंड। इतने सारे लोग, इतने सारे। चलो चलो आगे में रोकते हैं भाई साहब। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मीटअप होने वाला है भाई, बहुत ही ताबड़तोड़ वाला। भाई जितने भी सुपर बाइक है इधर है, हमारे अभिजीत भी है जी। अरे निंजा 1000 भाई साहब, कितना ही मोटा मोटा टायर है भाई, हमारी बाइक की टायर तो बहुत ही छोटी सी है। ये देखो क्या ही लगता है यार, देख के मजा ही आ गया। इनको जो जो पीछे छूट गए ना वो लोग कैचअप कर लेते हैं। हाँ ये लोग तो पढ़वाते हैं ना है? ये लोग तो पढ़वाते, धीरे धीरे चलते रहे। अब कंटिन्यू निकलेगी, बहुत सारी सुपर बाइक्स आगे भी निकल चुकी है, ये बाकी लाइनअप देखो। वाह है ना, बढ़िया भाई साहब, एक नंबर लग रहा है यार। ओ माय गॉड, क्या ही तगड़ा साउंड है अभिजीत भैया। ओ क्या ही साउंड है, क्या ही साउंड है यार। तो चलो अपन भी कैचअप करते हैं पेनाली का। यो भाई साहब है ना, भाई साहब यही तो चाहिए था बे। मजा आया। तो पहली बार राइड में आज कैसा लग रहा है? अपना काम कर फॉर्मेशन, मजा ही आ गया। और साउंड सुनो भाई, साउंड चेक करो, बहुत ही तगड़ा साउंड आ रहा है। माय गॉड भाई साहब, अभी तो हमने आना शुरू ही किया था, क्या हो गया भाई हमारे। अब ये देखो बहुत ही ताबड़तोड़ वाला राइडिंग था भाई। और ये देखो ये वाली बाइक भी बहुत टाइम बाद ही देख रहा हूँ मैं, ये है GSX 750। ये हो गया कॉन्टिनेंटल GT का फेयरिंग वाला वर्जन भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी क्रोम वाला ये हो गया। और ये देखो भाई ZS2, सबसे मतलब ताबड़तोड़ बाइक दिखा रहा हूँ मैं, मतलब सोचा नहीं था कि मैं भी देखूंगा ऐसा कुछ। भाई साहब ये रही बेनेली इतनी, ये देखो ये है ZS2 भाई साहब, ये देखो S2 का नेकेड वर्जन, बहुत ही तगड़ी बाइक है, सुपर चार्ज्ड इंजन है भाई साहब। क्या ही लग रहा है ना, से पूरा मतलब कवर अप हो पा रहा है भाई। और बहुत सारी अभी और बाइक्स आने वाली है मेरे ख्याल से, बिलासपुर से भी अपने प्रतीक भी आने वाले हैं 10R लेके। इससे मतलब खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है भाई, पता है सुपर बाइक्स के साथ राइड करके बहुत ही मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है भाई, एकदम तगड़े से बूम बम पजा रहा था। बाकी ये हो गया कावासाकी निंजा 1000, ये हो गई Z900 भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ट्रैम्प, वाओ ये भी बहुत ही सेक्सी लग रही है भाई। खतरनाक खतरनाक भाई। इसको बोलते हैं साउंड खतरनाक। अरे दोनों गाड़ी के साइलेंसर एक नंबर बाजा थे। अरे साइलेंसर ही नहीं है का। अच्छा नहीं कहो, पूछने वाला लगा मस्त, बजने वाला लगाना अंकल का। पूछने वाला लगावे मस्त, जोर से बाजे वाला एक नंबर बाजी। असली सुपर बाइक तो यहाँ देखने को मिला अपने को। बाकी ये लाइनअप चेक करो भाई, बहुत ही तगड़ा लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। पुर से भैया लोग आने वाले हैं ना, प्रतीक भैया लोग 20 मिनट लगभग लगेगा। अच्छा दो टीम में आ रहे हैं। अच्छा टीम में करीब 20 लोग होंगे, 20 बाइक। अच्छा टीम में 4-5 लोग, मतलब यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ भरने वाली है ना। बहुत ही बढ़िया ये। कितनी सारी गाड़ियाँ हो गई है भाई, मतलब क्या ही बताऊं मैं। और जितना ये क्या बोल रहे थे यार, मैं इतना सारा GT हो गया ना, क्या ही बताऊं। उधर GT जिधर देखो उधर एक ना एक GT दिख ही जाएगा, बहुत ही तगड़ा। ये नई वाली हिमालयन है, बहुत ही तगड़ी लग रही है ना, बहुत ही बढ़िया। चलो अब अंदर चल के नाश्ता करते हैं, पता है यार नाश्ते में क्या है। सुनना एक बार और पराठा बोल के आने, फिर भूखे मर जाएगा तू भी। बोलना जोर से बोलना, और क्योंकि पता नहीं आधे घंटे बाद मिलेगा कि एक घंटे बाद। ठीक है जीभ मत निकाल। भैया दो प्लेट पराठा था,
अच्छा ये नहीं है। अरे मैं इसको बोल रहा था। सुनना छोटू क्या कर रहा है भाई, ये देखो इतना ज्यादा मतलब लोग आ गए ना, खा खा के निकल रहे, लेकिन हम लोग को पराठा मिल ही नहीं पाया है। अपने भाई लोग मस्त खा रहे हैं। अपने भाई लोग मस्त रायपुर से हैं। क्या हो गया भाई? साईं ज्यादा लोग है, बिना पैसा दे मत चले जाना ना, लफड़ा हो जाएगा। ऐसा क्या मतलब मेरे किसी ले नहीं दे रहे इतने टाइम तक। सुना तो चलो भाई पैसा दे के आते। वही मैं सोच रहा हूँ मेरे नाश्ता आ क्यों नहीं रहे, बाइक से नजर भी नहीं हट रही है, बाइक को देखने में अलग मतलब बिजी है, बाइक की खाए की बाइक को देखे पता। इधर बहुत ही तगड़ा माहौल था, सब लोग खा पी के उड़ गए हैं। सब सबका खाना पीना तो ही गया, लेकिन इधर देखना हाईवे के उस साइड मतलब लोग ना गाड़ी रोक रोक के देख रहे हैं यार। इधर ये देखो भाई लोग को, इधर भी देखो मतलब आने जाने वाले सब, इधर भी देखो सब अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई कोई अपने घर वाले को अपने भाई को दिखा रहे हैं कि इतना सारा सुपर बाइक, बड़ा बड़ा 20-20 25-40 लाख का बाइक आया हुआ है भाई। है ना, बहुत ही तगड़ा भाई, एकदम ही मतलब तगड़ा खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ भी मतलब टेबल में देखोगे ना, खाना के अलावा सब पड़ा है टेबल में पूरा। देखो ये हेलमेट राइडिंग जैकेट सब का वही है, पूरा भरा पड़ा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। ये हम की एक छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड रही, अपन कोई बड़ा इवेंट तो नहीं करा सकते, बड़े बड़े इवेंट हो रहे होंगे बड़ी बड़ी सिटीज में, तो हम लोग ऐसा ही छोटा मोटा मीटअप जो है, ब्रेकफास्ट राइड जो है, ये हम लोग आगे भी कंडक्ट करेंगे। हर महीने एक बार होगा, जो भी डेट रहेगी एक हफ्ते पहले सबको पता चल जाएगी। थैंक्स एवरीबॉडी, और जितने लोग भी जितनी भी पोस्ट और रील्स डालेंगे प्लीज वुल्फ पैक सीजी को टैग करना, सीजीआरएम को मत कर देना, ये सीजीआरएम नहीं है। लड़की लोगों को सपोर्ट करो, इन लोग चालू किए हैं, और जितने भी हो सकता है कि कुछ लोग फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें इनके ग्रुप को और सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे को लगता है भाई मैं ना हर जगह राइड पे जाता हूँ, ट्रैक के लिए भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मेरे को हर स्टेट में लड़कियाँ दिखती है। इवन मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं ट्रैक पे, मेरा ट्रैक टाइमिंग है 2:24 सॉरी 1:24 सॉरी 2 मिनट तो बहुत लेट हो गया। 1:24 का भी मोटर स्पीड का है मेरा टाइमिंग, बट वहां पे ऐसी दो लेडी राइडर थी जो मेरे को भी बीट करके रखी थी, उनका 1:21 था, तो वो बहुत शॉकिंग था भाई। मैं चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी लेडी राइडर लोग को सपोर्ट करें और वो भी आगे बढ़े। कि ये जो गैदरिंग हुई है, ये जो टीम बनी थी वुल्फ पैक, कुछ लोगों के कारण बनी थी, जिसमें सबसे पहले अभिजीत भी आया है, सेकंड में अंकित भी आया है, और एक बीरा दादा थे, और एक जन और कौन था, सुरेंद्र। तो अब तो कुछ लोग नहीं है साथ में, लेकिन अंकित भी हमेशा साथ में खड़े हैं, क्योंकि अब वो राइड ज्यादा कर नहीं पाते हैं इसलिए, लेकिन जब कभी ऐसी राइड होती है तो हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं। एक अच्छी बात और बता रहा हूँ, इतने लोग आए हैं उन्हीं के कारण, क्योंकि अगर वो टीम नहीं बनती उस बार तो शायद आज यहाँ जो 50-60 लोग खड़े कभी नहीं आते, तो एक अच्छा इनिशिएट है। तो क्लैप है दोनों ये लोग, सब बाइक का मस्त आराम से अपन गाना सुनेंगे, गाना गाते हुए उसके बाद चलेंगे, और सब एकदम लाइन से चलेंगे, वो भी तगड़े तरीके से। इसके बिना तो राइड अधूरा है यार, बहुत ही बढ़िया है ना, सुन के एकदम दिल खुश हो जाता है, मजा ही आ जाता है, कड़ा लगता है भाई साउंड, मतलब बाइक को इसी के लिए ही लेना चाहिए, भले पुलिस पकड़ लेती है लेकिन ये जरूरी है। है ना भैया, ओ माय गॉड रैव बैटल चल रहा भाई, रैव बैटल इधर फिर उधर फिर उधर चारों तरफ, खतरनाक। अरे ओहो एक नंबर, इधर जाओ उधर, अबे तुम मजा आए कि नहीं भाई, वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। इतना तगड़ा सुपर बाइक, हमारे छत्तीसगढ़ में इतना तगड़ा माहौल हो सकता है भाई, कभी सोचा था क्या? जहां
अभी खड़े हो जा रहा हूँ ना, उधर से साउंड आ रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी माहौल चेक करो, माहौल चेक करो भाई साहब। अरे वो दहाड़ रहा है भाई, शेर दहाड़ रहा है। वाह टावर तोड़, एक नंबर एक नंबर। ये जीटी एक नंबर। ओहो भाई चलो चलो भाई, पूरा रोड जाम हो गया यार इधर तो। ये देखो क्या ही तगड़ा माहौल लग रहा है, एक नंबर। भाई साहब बहुत मजा आया भाई, इतना ही तगड़ा राइड था यार। सब भैया लोग को भाई नहीं बोल पाए, थोड़ा सा मेरे को लक्की के पास जाना था रायपुर में। तो व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे राइडर और इतनी सारी सुपर बाइक आपको देख के कैसा लगा भाई साहब। मैं तो बहुत ही मतलब एकदम ही ताबड़तोड़ खुश हो गया था, बहुत ही तगड़ा एक्साइटमेंट है यार। ठीक साथ आज का व्लॉग को खत्म करते, मिलते हैं किसी और नए अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब ये देखो, तो चलो भाई साहब मिलते हैं। सजना जी मैनू